नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक और विवादनामा विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी किताब को लेकर विवाद तो कभी बयानों को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर अपनी किताब मोहम्मद में अपमानजनक बयानों का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि रिजवी के खिलाफ ऑल इंडिया मुजस्सिले इतलादुल्ला मुस्लिम यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दायर एक शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान है, जिसका अब देश भर में विरोध हो रहा है और ये विरोध धीरे धीरे और ज्यादा तेज हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर यति नरसिंहा नंद भी आपको नजर आ जाएंगे। तो ओवैसी ने इस पर एक बयान में कहा कि आपके ध्यान में हाल ही में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखित पुस्तक की ओर ले जाना है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक पैगंबर मोहम्मद को बदनाम करती है। इस्लाम धर्म और पैगंबर के अनुयायियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी करती है। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन इस विवाद पर भी कई ज्यादा पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं। ओवैसी अब बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी इस पुस्तक को लेकर, इस किताब को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर किताब लिखी थी तो फिर ओवैसी कहाँ थे? ओवैसी हमेशा अपने मुखर अंदाज को लेकर पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अयोध्या पर किताब लिखने की तब वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पैगंबर मोहम्मद पर तो फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो दर्ज होनी चाहिए, जल्द से जल्द जो प्रदर्शन हो रहा है वो सही है। लेकिन सवाल ये कि आप ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आपने तो इस बयान में साफ तौर पर दिखा दिया आप कितने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव जी। ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा खलबली मचा रहे हैं, लेकिन एक किताब जो है मोहम्मद के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, वो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो परेशान कर रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद अगर अयोध्या पर कुछ बोलते हैं तब ओवैसी परेशान नहीं होते हैं? फिर मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? देखिए, इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है, इस देश का जब 1947 में बंटवारा हुआ तो जिन लोगों ने बंटवारे की मांग की थी वो सारे पाकिस्तान नहीं चले गए थे, उसमें बहुतायत में, बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर रह गए थे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनकी मानसिकता और विचार बदल गए। ये ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग उसी विचारधारा से आते हैं और कहीं ना कहीं जब तक इनको सियासत की सरपरस्ती मिलती रही, इनकी दुकान चलती रही। आज जब इन्हें हर प्रकार से चुनौती मिल रही है, समाज विकास की तरफ बढ़ रहा है, ये तो विनाश की तरफ ले जाने के लिए हमेशा आतुर रहे हैं, लेकिन जब विकास की तरफ बढ़ रहा है, आपस में समाज में सहिष्णुता हो रही है और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत एक नया प्रतिमान स्थापित कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो वहीं एक कट्टर इस्लाम की तरफ ये देश को झोंकना चाहते हैं, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके कारण से इनकी अपनी निजी दुकान चल सके। ठीक उसी प्रकार दारा शिकोह की सबसे ज्यादा लोकप्रियता थी, सबसे ज्यादा प्रिय वो था अपने पिता का, बावजूद उसके उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और औरंगजेब को दिया गया शासन। तो ये वही विचारधारा, औरंगजेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मीर बाकी तरीके लोग हैं जो इस भारत में रक्तपात करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं। एक और बात बताइए कि ये जो किताब है जो पैगंबर मोहम्मद पर लिखी हुई है, इसका विमोचन किया गया और विमोचन में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे और यहाँ पर जो यति नरसिंहानंद है वो भी इन तस्वीरों में दिखाई देते हैं, आपको क्या इस किताब से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, दुनिया का कोई भी धर्म हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो प्रासंगिक रहा है, वो समाज के हित में रहा है और जिस किताब से या जिस प्रयास से समाज को जोड़ने की विचारधारा पैदा होती हो, ऐसे प्रयास किए जाते हो, उसका समर्थन करना चाहिए भारत के अंदर, चाहे वो कोई हो। नहीं, एक बात बताइए गौरव जी, एक मिनट, एक बात बताइए, जब सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर किताब लिखी थी तब
चारों तरफ आगजनी हुई है, उनके घर पर आगजनी हुई है, बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी के लिए उठ रहा है वो सवाल तो बीजेपी के लिए भी उठेगा ना। क्या बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। गौरव जी, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि जब सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर किताब लिखी तो बवाल हो गया, आज ये मोहम्मद पर किताब लिखी गई है, इस पर ओवैसी बवाल कर रहे हैं, तो ओवैसी और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? नहीं देखिए, ओवैसी को जब उनके अंदर, देखिए इस्लाम में भी 76 फिरके हैं, सेक्ट है, और वहां भी शिया को ये काफिर ही कहते हैं, और शिया वो है जो सही। अच्छा, ये लड़ाई जो है गौरव जी आपके हिसाब से लड़ाई शिया और सुन्नी की है? बिल्कुल, ये अपने अंदर उनको बर्दाश्त नहीं करते, और जब समाज को जोड़ने की बात एक फिरका करता है तो वही ये वहाबिज्म को बढ़ावा देते हैं, कट्टरता की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, गजवाए हिंद का सपना सजो ओवैसी भारत के अंदर में घूमता है, तो एक तरह एक प्रकार से वो जिन्ना के प्रतिरूप का ही काम कर रहा है, जो काम जिन्ना ने किया इस देश में उसी के विचारधारा को, उसी के काम को आगे बढ़ाने। वो 5 सालों तक तो बंद रहता है उसमें चिराग में, जलादीन का चिराग है, लेकिन उसके बाद पता नहीं इसे कौन रब कर देता है और फिर ये बाहर निकल जाता है चुनाव आते ही। देखिए, अखिलेश तरीके लोगों को सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिन्ना की, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को सहारा पड़ती जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों के सहारा लेने की, वही सलमान खुर्शीद तरीके लोगों को पड़ती है, लेकिन जो देशभक्त है, देश भारत से प्रेम करता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्रवाद की बात करता है। ठीक है गौरव जी, मैं समझ गई आपकी बात को, समझ गई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी। तो ये पूरा मामला था किताब का, कभी अयोध्या पर किताब लिखी जा रही है, कभी मोहम्मद पर किताब लिखी जा रही है, लेकिन विवाद दोनों पर उठ रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।